गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम है, मैं यहाँ रेडी हो चुकी हूँ ये वाली कुर्ता सेट डालकर, और आज मैं जा रही हूँ अपनी बेटी के स्कूल में जहाँ पे पीटीएम है और टीचर से मिलना है। सालवी के सारे प्रोग्रेस के बारे में बात करनी है, इम्प्रूवमेंट क्या क्या चीज़ें हो रही है वो सारी चीज़ें देखनी है। तो लास्ट मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का, फिर भी मुझे ट्रैवल करना पड़ रहा है, और जो इसकी स्कूल है वो विद इन द 1 किलोमीटर होगी, तो कार से जाना सही है। आज हस्बैंड का भी ऑफ था सैटरडे संडे, तो सैटरडे के दिन ये वो रखा गया है, बैंक ऑफ था, होली डे था। तो चलते हैं स्कूल और देखते हैं डुगुआ क्या इम्प्रूवमेंट रहा इस साल, और मतलब ये साल तो नहीं, मार्च से जो सेशन स्टार्ट हुई है उस सेशन में कितना ये की है, वो सारी चीज़ें मैं टीचर से मिल के बात करूँगी। और यहाँ पे देख सकते हो हम लोग स्कूल के बाहर ही खड़े हैं, यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स आए थे और सारे 4 व्हीलर्स का पार्किंग देख सकते हो, जहाँ तहाँ लोग अपना कार पार्क किया, तो हम लोग यहाँ पे अपना पार्किंग ढूँढ रहे हैं। लेकिन उसके बाद स्कूल के अंदर जाएंगे और टीचर से मिलेंगे, तो चलिए चलते हैं। तो कार पार्किंग के लिए ना बिल्कुल भी जगह नहीं थी, बहुत सारे पेरेंट्स आए थे, तो साइड में हम लोगों ने कार पार्क कर ली है। देख सकते हैं कितना बाहर में धूप है, तो थोड़ा दूर हम लोग को पैदल चल के ही जाना होगा, और गेट थोड़ा दूर था। यहाँ पे डुगू अपने पापा के साथ जा रही है, देख सकते हो, और डुगू ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, उसे कोई डर नहीं लग रहा है। तो ये देख सकते हैं हम लोग का मीटिंग ख़त्म हो गया था, तो डुगू के पापा उसको आइसक्रीम खरीद के दे दिए, और मुझसे भी पूछा था कि आप ले लो, लेकिन मुझे मन नहीं किया। लेकिन डुगू को खाते हुए देख कर ना मुझे भी मन कर रहा था। और प्रेगनेंसी में यही है कि जिस चीज़ के लिए डिसीजन आप एक बार बना लो कि नहीं, तो वो जस्ट अपोजिट होता है और लगता है कि मतलब नहीं मुझे चाहिए बाद में। तो यहाँ पर ना हम लोग आ गए हैं हॉस्पिटल के बाहर। तो हाय गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं कार के अंदर, और अभिषा के पेरेंट्स मीटिंग हो चुकी है, पेरेंट्स टीचर मीट। सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, डुगू ने बहुत अच्छा किया है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, और बस एक ड्रॉबैक ये है कि अभिषा को पढ़ना पसंद नहीं है, वो लिखती नहीं है अच्छे से, मतलब इंटरेस्ट नहीं है। मैम ने कहा है कि वो भी आ जाएगा, और बाकी अदर एक्टिविटीज़ में वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, और उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट की है कि वो हर चीज़ में मतलब एनर्जी के साथ करती है, बस थोड़ी सी राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, तो वो भी हो जाएगा अभी LKG में है। तो अब और अभी मैं बैठी हुई हूँ कार में, और बेबी को देख सकते हो, बेबी भी ट्रैवल कर रहा है हमारे साथ, और दीदी के स्कूल आया था। तो बस 10-15 दिन बाकी है, और उसके अकॉर्डिंग हस्बैंड गए हुए मेडिसिन लेने हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए। मेरा हॉस्पिटल है और डिलीवरी यही होने वाली है, अभी तो मेडिसिन वगैरह ख़त्म हो चुकी है। तो मैम ने कहा था, डॉक्टर मैम ने, कि आप अपना मतलब चलाते रहिएगा डोज जब तक से डिलीवरी नहीं हो, और कैल्शियम विटामिन सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, तो वो लेने गए हैं। फिर मेडिसिन वगैरह लेके हम घर निकलेंगे, और घर जाकर देखते हैं क्या होता है। डुगू ने सिर्फ एक आइसक्रीम खरीदवाई अपने पापा से, और मुझे आइसक्रीम की क्रेविंग हो रही है, बेबी भी मांग रहा है, बट डुगू दे नहीं रही है। दीदी दे दो। यहाँ पे मैं बीबा का ये कुर्ता सेट पहनी हूँ, वाइट वाला, क्योंकि यही एक कुर्ता सेट है जो फिट हो रहा है, बाकी कुछ फिट नहीं हो रहा। और इन दिनों नया कुछ शॉपिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब भी नहीं है, क्योंकि बाद में तो पतला हो ही जाना है, पेट सब अंदर चल जाएगा, इस वजह से कुछ लिया नहीं है, बस एक कुर्ता सेट जो आ रहा है उसको पहन के आई हूँ, और ये भी कंफर्टेबल नहीं है, मन कर रहा है जल्दी से घर जाओ, चेंज करो और आराम करो। डुगू की बात थी इसलिए स्कूल में जाना जरूरी था, और इसकी इम्प्रूवमेंट वगैरह भी देखना जरूरी है, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे चीज़ें हो रही हैं। आए दिन तो उसके क्लास से कंप्लेन आती रहती है कि मैम अभिषा ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये होमवर्क था, वो था। मैं जितना हो सकता है उस पर ध्यान देती हूँ, कोशिश कराती हूँ, बेटा करो करो, लेकिन अंटिल अनलेस करना तो उसे ही है, तो जितना हो सके मैं पेरेंटिंग का पूरा रोल निभाती हूँ। देखते हैं कहाँ तक मैं सक्सेस हो पाती हूँ।
तो यहाँ पे हस्बैंड आ गए हैं कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड की जो भी मेडिसिन वगैरह रिक्वायरमेंट थी वो सारी चीज़ें लेकर, और बहुत दिन हो गए थे, मतलब 2-4 दिन मेरा गैप हो जाता है कभी कभी किसी रीजन से। तो यहाँ पर हम लोग आए थे डुगू के स्कूल के पास, तो वहीं के उसी पास में वहाँ पे हम लोग का हॉस्पिटल भी था, तो हम लोगों ने ले लिया मेडिसिन। अब चलते हैं घर, और ये देख सकते हैं घर जाने के रास्ते में बहुत ज़्यादा मतलब नारियल पानी यहाँ पे लगे रहते हैं, तो हम लोगों ने नारियल पानी भी पी लिया और अब चलते हैं घर। तो यहाँ घर आ गए हैं और कार पार्क कर दिए है, और डुगू ना जिद कर रही थी कि मुझे प्लाजियो मॉल घुमा दो पापा, तो आज उसके पापा उसको घुमाने ले जा रहे हैं, और वो उन्होंने कहा था कि चलो इसी साइड से चलते हैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं डुगू को ड्रेस वगैरह चेंज करना है और साथ में मुझे मॉल जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इन दिनों थोड़ा सा रेस्ट करूँ, तो जो जितने भी टाइम बचे हैं उतना दिन मैं रेस्ट करना चाह रही हूँ। तो मुझे ना कंफर्टेबल नहीं लग रहा था ये ड्रेस में, और पूरे पेट पे इलास्टिक वगैरह लग रहा था प्लाजो का, तो मैंने कहा कि नहीं मुझे घर जाना है। तो मैं घर आ गई, और घर आने के बाद देख सकते हो तो यहाँ पे घर आने के बाद ना मैं व्लॉगिंग करना भूल गई थी, और डुगू जाकर 2-3 घंटे के बाद आई है मॉल से, और वहाँ पे जो हैमले करके एक ब्रांड है वहाँ पे बहुत सारा फन होता है, फन एक्टिविटी होती है, तो बच्चे वहाँ पे मस्ती कर रहे थे, और डुगू ने वहाँ से बहुत सारे खिलौने लिए हैं, जो कि टोटल इन्होंने अपना पापा का पैसा खरीद लिया 5,000 अप्रॉक्स इसके पूरे के जो खिलौने के लगे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी हस्बैंड पे, लेकिन उन्होंने कहा कि जाओ अपना आम देखो, आम खाओ, और मुझे आम की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है इन दिनों। तो यहाँ पे उन्होंने आम लेकर आए थे, तो मैं सोची कि चलो इसे खाने से अच्छा है सेक ही बना दो, सेक बना दूँगी तो सब लोग पी लेंगे, और हमारे यहाँ तो मम्मी पापा को शुगर भी है, तो पापा थोड़ा पी लेते हैं, मम्मी को ज़्यादा शुगर है तो उन्हें नहीं देंगे। और यहाँ पे मैं आइस वगैरह सब कुछ डाल चुकी थी, और केसर मेरे पतिदेव ने मेरे लिए मंगाया था, तो मैंने कहा कि चलो ये केसर भी डाल देते हैं। तो केसर डालने के बाद चलते हैं हॉल में जहाँ पे सब लोग बैठे हैं, वहाँ पे सबको सर्व करते हैं और देखते हैं उनको कैसा लगा। तो ये हम लोग मैंगो शेक वगैरह पी ही रहे थे, और मैं अपना लेकर तो रूम में आ गई, और हमें पता चला कि आधे घंटे में हमारे घर में ना पेस्ट कंट्रोल होने वाला है, जो कीड़े मकोड़े को भगाते हैं, तो उनकी जो भी पेस्टिसाइड वगैरह मेडिसिन वगैरह केमिकल रहते हैं ना काफ़ी ज़्यादा स्मेल करता है। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे हस्बैंड उनको बुला लिए हैं, और ये मेरे हॉल मेरे रूम से ही स्टार्ट करें, इस रूम से ही स्टार्ट करें, और वॉशरूम के अंदर भी उन्होंने मेडिसिन वगैरह का स्प्रे किया, और यहाँ पर देख सकते हैं जो मेन इंट्रेंस है वहाँ पर भी लग रहा है, और पूरे हॉल में पूरे रूम में लग चुका है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल थी ना कि मैं बता ही नहीं सकती थी, और मुझे पता ही नहीं था कि हस्बैंड आज के दिन बुला लेंगे, नहीं तो मैं मना कर देती, क्योंकि प्रेगनेंसी में ना इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल लेना काफ़ी ज़्यादा मतलब रहता है, थोड़ा सा रिस्क रहता है। तो उन्होंने कहा कि जल्दी से तुम लोग रेडी हो जाओ, हम तुमको मतलब बाहर लेकर जाएंगे कहीं। तो हम लोग ना बाहर ही बैठे हुए थे जो सीढ़ी है सोसाइटी में बिल्डिंग में, तो वहीं सीढ़ी के पास हम डुगू बैठे हुए थे, और मैं रेडी हो गई थी जैसे तैसे, और ये वही जो कॉर्ड शीट है देख सकते हो मैंने रील्स वगैरह शेयर की थी, वही कॉर्ड शीट डाल लिया एंड बैठ गई हूँ कार में। और यहाँ पे हस्बैंड हमें लेके जा रहे हैं प्लाजियो मॉल, वैसे तो सुबह में उन्होंने बोला था कि तुम चलना, लेकिन मुझे मन नहीं किया, मन नहीं कर रहा था, और आज देख सकते हो शाम में हमको आना ही पड़ा। तो ये है ओमेक्स बिल्डिंग, जो कि लखनऊ की काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यहाँ की प्रॉपर्टी के बारे में हस्बैंड बता रहे थे काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती है, तो ये देख सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने मुझे आगे बैठाया है, कि बोल रहे थे कि बेली पे तुम्हारा मतलब ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, आगे कंफर्टेबली तुम बैठ सकती हो, तो मैं आगे बैठी हुई थी, और मेरे मम्मी पापा जो सास ससुर हैं वो पीछे बैठे हुए। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं प्लाजियो मॉल, जो कि प्लाजियो मॉल है ना काफ़ी अच्छा लगता है, रॉयल लुक आता है, ये देख सकते हो, ये बिल्कुल ना ऐसा लगता है कि जैसे अंग्रेज़ों ने बना के मतलब गए हैं यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा इसका लुक अच्छा है, और हर तरह से एंट्री और एग्जिट की गेट है इसकी, तो
प्लाशियों में आने के बाद ना ज़्यादा कुछ करने के लिए हमको तो समझ में आ नहीं रहा था, तो हस्बैंड चले गए पापा को शॉपिंग कराने के लिए और मैं आ गई किचन और जो अपने हाउस होल्ड की जो भी काम की चीज़ें होती है ना वो चीज़ें लेने के लिए। तो मिस्टर DIY में मैं आ गई थी, तो मिस्टर DIY में बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स और मिरर्स बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये ऐसी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, किसी भी सुपर मार्केट में मैं जाती हूँ तो यही सारी चीज़ें उठाती हूँ, और मुझे खुद के लिए लेने के लिए ना समझ में नहीं आता। मैं ज़्यादा घर की चीज़ों में विश्वास रखती हूँ कि घर के लिए कुछ लिया जाए। तो ट्रे का प्रिंट वगैरह देख सकते हो काफ़ी अच्छी है और अफोर्डेबल प्राइस में थी, 139 ऐसे कुछ थी। और यहाँ पे डुगू एक और ड्रेस लेकर आ रही है जो कि बोल रही है मम्मी मुझे की दिला दो, तो मैंने कहा कि अगर तुम्हारे स्कूल में कोई कॉम्पिटिशन वगैरह होगी तब भी यहाँ से हम लोग लेंगे, अभी कोई नीड नहीं है, प्लीज़ इसे रख दो। और डुगू तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी थी इससे पहले और बहुत सारे खिलौने भी लेके गई है। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन का सामान और DIY का सामान वगैरह है। तो चलिए एंजॉय कीजिए ये ब्लॉग को। तो यहाँ पर देख सकते हैं नोटपैड वगैरह काफ़ी था और DIY का ये जो टेक्सचर वॉलपेपर जो होता है ना जो आप कहीं लगा सकते हो वो सब था, और ये बैगेज जो कि स्टोरेज के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं, तो इसमें से मैं कुछ लूँगी जो कि मुझे अपने हॉस्पिटल डिलीवरी बैग में चाहिए होगा, तो ये वाली बैग मैं ले रही हूँ। और भी चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी लगेगी कि नीड है तो वो पक्का मैं लेने वाली हूँ। ये सारी चीज़ें तो मैं हम लोगों ने देख रखा है। डुगू को बहुत सारे गिफ्ट में ये पेंसिल बॉक्स सेट वगैरह मिल रहा था, और ये देख सकते हैं ये डफल बैग जो कि मैटरनिटी हॉस्पिटल के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, लेकिन मैंने लिया नहीं है, तो मैं आपको अलग से वीडियो शेयर कर दूँगी कि मैंने DIY से क्या क्या परचेज किया है। ये देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा रैक भी है जो कि किचन में ऑर्गेनाइज करने के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं प्लास्टिक सेक्शन में, तो यहाँ पे ना 125 की कुछ ऐसे या 250 में टब मिल रहे थे जो कि माँ को नीड थी, उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में टब नहीं है जिसमें कपड़े अच्छे से धुल सकते हैं, तो मैंने भी कहा कि चलो ठीक है एक ले लेते हैं, बेबी भी आएगा तो उसे भी नहलाने में ईजी रहेगा, तो ये हम लोग लेने वाले हैं। तो इसकी क्वालिटी और प्राइस वगैरह सब मिलाकर देखते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने फाइनल कर लिया कि ये टब लेना है, लेकिन एक हो गया था मतलब कि ये टब लेने के बाद ना हस्बैंड ने ना इसे रख दिए थे, बोले कि मॉल में तुम लोग टब लेके घूमोगी, ये हम लोग वापस रख दिए थे। और डुगू का शॉपिंग तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, वो कभी भी कितने टाइम भी आएगी वो कुछ ना कुछ लेते रहेगी। यहाँ पे उसने कलर लिए हैं और स्टिकर वगैरह का जिद कर रही थी। फिर यहाँ से निकलते ही ना यहाँ पे बहुत सारे डेकोरेटिव मिरर के ऑप्शन थे जो कि काफ़ी मुझे अच्छे लग रहे थे, लेकिन क्या करूँ रेंटल अपार्टमेंट में रहने का यही ड्रॉबैक है कि जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है वो ले नहीं सकते, मिनिमल सा चीज़ रख सकते हैं। तो यहाँ पे डुगू के कॉम्ब वगैरह मैं देख रही थी कि उसके लिए कोई सूटेबल कॉम्ब हो तो अच्छा लगे जो मैं ले लूँ, और यहाँ पे मिरर मुझे काफ़ी पसंद आ रहे थे, और मैंने सोचा कि चलो ऐसा मिरर ना कटिंग करा के या फिर ऐसे जो मिलते हैं हम इसको फ्रेमिंग भी करा सकते हैं। मतलब जो DIY में जाते हैं ना तो मुझे लगता है कि इसमें से आधी से चीज़ें मैं खुद से घर पे बना के यूज कर सकती हूँ। ये देख सकते हो स्टोरेज बॉक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये रहा मेरा फेवरेट सेक्शन जहाँ पे बहुत सारे स्प्रे पेंट मिलते हैं, तो मुझे ना गोल्ड वाले जो पेंट होते हैं ना वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, ताकि मैं किसी चीज़ पे स्प्रे करूँ तो वो थोड़ा सा मेटल वाले लुक आए, तो मैंने वहाँ से ले लिया। और यहाँ पे वॉच क्लॉक वगैरह के देख सकते हो कलेक्शन कितना प्यारा प्यारा है, और डेकोरेटिव आइटम के लिए भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन है। ये सारे फ्लावर जो कि आप अपने गार्डन में या फिर अपने ड्राइंग रूम में इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन है यहाँ पे।
तो मेरा शॉपिंग हो गया था, अब हम लोग बाहर निकल गए हैं उस शोरूम से और अब हम जा रहे हैं वापस। तो यहाँ मधुरिमा रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है मेरे घर के पास में, तो हम लोग मधुरिमा में आ गए हैं और नीचे में ना सुपरमार्केट है जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सामान मिलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे DIY में कुछ कुछ चीज़ें मिल जाती है, डेकोरेटिव और घर के लिए सारी चीज़ें वो सब मिल जाते हैं, साथ में ग्रॉसरी के आइटम तो रहते ही रहते हैं। लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं मधुरिमा में अभी थोड़ा बहुत कुछ खाने। तो ये वाली होटल ना काफ़ी अच्छी है क्योंकि ये मेरे घर के बगल में भी है और यहाँ पे प्योर वेज फूड सर्व होता है और यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया है और मैं वेट कर रही हूँ अपने ऑर्डर्स का। और मुझे भी 2-3 दिन से साउथ इंडियन का क्रेविंग हो रहा था, तो आज हम लोगों ने साउथ इंडियन ही ट्राई किया है, बहुत ही अच्छा डिलीशियस। और यहाँ पर देख सकते हो डुगू अपने पापा से लाड लगा रही है क्योंकि आज इसके पापा पूरे जैसे बॉटल से निकले हुए जीन होते हैं ना वैसे ख्वाही से पूरी हुई है। तो यहाँ पे इसने ना जिद पकड़ ली थी कि मुझे यही वाली चॉकलेट बॉल खानी है और इसके अलावा तो मैं कुछ खाऊंगी नहीं, तो मैंने फिर भी इसके लिए समोसा ऑर्डर कर दिया और खुद के लिए डोसा वगैरह ऑर्डर किया है। तो हस्बैंड और मम्मी पापा के लिए रावा डोसा ऑर्डर किया, मैंने अपने लिए मसाला डोसा ऑर्डर किया क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल पसंद नहीं है और जो चीज़ें मैं खाते आई हूँ मुझे वही अच्छा लगता है। तो ये देख सकते हो मेरा डोसा कुछ अलग है और अच्छा है, बाकी लोग के तो रावा डोसा है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। तो चलिए गाइज मैं अपना मील एंजॉय करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को प्यार देना, मेरे चैनल पे अपना प्यार देना गाइज, प्लीज़ 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 आई नीड। गाइस अभी रात के 9:30 बज चुके हैं, मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में और अभी ना मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ क्योंकि सुबह से ही इतना ज़्यादा काम हो गया था कि डुगू के स्कूल भी जाना था। स्कूल जाने के बाद वो डुगू मेरी मॉल चली गई थी एंड देन उसके बाद ना क्या हुआ कि जब वो वापस आई अपने पापा के साथ तो क्या हुआ कि घर में पेस्ट कंट्रोल हो गया, जो कि सडनली पेस्ट कंट्रोल हुआ है क्योंकि हम लोग इस पे अभी इस बात पे अभी मतलब ऐसा डिस्कस कर रहे थे कि घर में कीड़े बहुत हो गए थे बारिश की वजह से और कॉकरोच ज़्यादा हो रहे थे तो पेस्ट कंट्रोल कराना था। एक साल हो गया है घर में शिफ्ट किए तो काफ़ी ज़्यादा कीड़े हो रहे थे तो पेस्ट कंट्रोल कराना है ऐसा बात हो रहा था घर में। तो सडनली क्या हुआ ना कि मेरे हस्बैंड पेस्ट कंट्रोल वाले को बुला लिए और घर में पूरा मेडिसिन वगैरह जो भी पेस्टिसाइड वगैरह है सब कुछ छिड़काव हो गया था। फिर उसके बाद घर में पूरा स्मेल भर गया और हम लोग निकल गए थे घूमने के लिए मॉल में और वहाँ पे जाके टाइम वेस्ट किए थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे डिनर करने के लिए, डिनर वैसे तो शाम का ही टाइम था लेकिन हम लोग सोचे थे कि बाहर से ही कुछ खा कर आएंगे क्योंकि घर पे तो बना नहीं पाऊँगी मैं और कुक का भी आज थोड़ा सा हो गया कि वो नहीं आ पाएंगी तो खाना वाना सब बाहर हो गया है। फिर उसके बाद आने के बाद ना फिर भी घर में थोड़ा बहुत स्मेल था तो मैं सोसाइटी में वॉक कर रही थी और देन उसके बाद मैं चली गई थी एक फ्रेंड के घर पे तो वहाँ पर टाइम वेस्ट किया, थोड़ा पास नहीं किया वेस्ट ही किया मैंने, तो वहाँ पर बात बात की और उसके बाद अभी डिलीवरी के डेट वगैरह नज़दीक आ रहे हैं तो सब लोग कॉन्शियस हैं कि तुम अपना ख्याल रखो, सारी चीज़ें ध्यान से रहो और अभी पेस्ट कंट्रोल करने ही कराना चाहिए था, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन पता नहीं अचानक से ये सारी चीज़ें हुई हैं, मुझे भी नहीं पता था, कुछ भी प्लान होता नहीं है।
लेकिन हो गई तो ठीक है कि बेबी अब आएगा तो सेफ रहेगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। तो यही सब चीज़ है और अभी मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा, बोल भी नहीं पाऊँगी। तो आई थिंक इतना ब्लॉग में काफ़ी है। आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कॉन्टेंट के साथ। सो टिल देन गाइज, बाय।